हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीसीज, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के कंटेक्स्ट में जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं अलग अलग टाइप ऑफ स्पीसीज जो UPSC के एग्ज़ाम में जो है फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्पीसीज का जो है मतलब क्या होता है। इन बायोलॉजी स्पीसीज का जो डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरली इंटरब्रीड जो है कर सकते हैं और वायबल जो है ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिलकर रिप्रोडक्शन कर सकें वो एक ही स्पीसीज के कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि हमें स्पीसीज के बारे में जो है पढ़ना क्यों ज़रूरी है। स्पीसीज की स्टडी हमें जो है बायोडाइवर्सिटी समझने में जो है मदद करती है। हम इकोसिस्टम के बारे में समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड है और कौन सी जो है इन्वेजिव हो सकती है। UPSC के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इज़ अ मेजर एरिया। बात करते हैं सबसे पहले नेटिव स्पीसीज की। नेटिव स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक हैबिटेट या रीजन में जो है नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। इनको जो है इंडिजिनस स्पीसीज भी कहा जाता है। ये जो है इन्वायरमेंट का इंटीग्रल पार्ट होती हैं और अपने इकोसिस्टम के लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं। तो एग्जाम्पल है बनियान ट्री इन इंडिया एंड अमेरिकन बाइसन इन नॉर्थ अमेरिका। दूसरे हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन या एरिया में जो है पाई जाती हैं और दुनिया के किसी और पार्ट में नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए निकोबार मेगापोड एक एंडेमिक स्पीसीज है जो सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो है मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल है कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब बात करते हैं एग्जॉटिक और एलियन स्पीसीज की। एग्जॉटिक या एलियन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो एक हैबिटेट में जो है आर्टिफिशियली जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं। ये स्पीसीज वहाँ का जो है नेचुरल पार्ट नहीं होती लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वहाँ प्रेजेंट होती हैं। जब ये एग्जॉटिक स्पीसीज इन्वेजिव बन जाती हैं तो इन्वायरमेंट और नेटिव स्पीसीज के लिए जो है थ्रेट बन सकती हैं। एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस ट्री इन इंडिया। इसको कहाँ से लाया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। अगले हैं इंडिकेटर स्पीसीज। तो इंडिकेटर स्पीसीज का यूज़ जो है इन्वायरमेंट की जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करने के लिए जो है किया जाता है। ये स्पीसीज जो है सेंसिटिव होती हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए और अगर ये पॉपुलेशन इनकी जो है डिक्लाइन करे तो इसका मतलब है कि इकोसिस्टम में जो है कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो है फ्रॉग्स जो एक्वाटिक इकोसिस्टम के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको जो है इंडिकेट करते हैं। तो जब पॉल्यूटेंट बढ़ेगा तो इनकी जो है पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली जो है कम होती जाती है। बात करूँ अगली की तो वो है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो अपने इकोसिस्टम में जो है काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट रखती हैं। अगर ये स्पीसीज जो है ख़त्म हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम जो है कोलैप्स हो सकता है। एग्जांपल एलिफेंट्स जो अपने हैबिटेट को जो है मॉडिफाई करके जो है बैलेंस बनाए रखते हैं। अगली है फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कंजर्वेशन कैंपेन्स के सिंबल के रूप में जो है यूज़ होती हैं। इनको जो है जनरली इसलिए चूज़ किया जाता है क्योंकि ये लोगों में पॉपुलर और जो है रिकॉग्नाइजेबल होती हैं। जैसे कि बंगाल टाइगर इन इंडिया फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। अगली है अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनकी कंजर्वेशन से जो है बहुत सारी और भी स्पीसीज की जो है इनडायरेक्टली जो है प्रोटेक्शन होती है क्योंकि ये स्पीसीज बड़ा जो है हैबिटेट कवर करती हैं। एग्जांपल्स टाइगर्स जो लार्ज एरिया में रहते हैं और उनका
प्रोटेक्शन जो है पूरे इकोसिस्टम को जो है बेनिफिट करता है। बात करूँ इन्वेसिव स्पीसीज की, तो इन्वेसिव स्पीसीज वो होती हैं जो एक न्यू हैबिटेट में जो है डोमिनेट करके जो है लोकल स्पीसीज को जो है हार्म करती हैं। ये स्पीसीज जो है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए जो है बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है। एग्जाम्पल है लंटाना कमारा, जो इंडिया के फॉरेस्ट को जो है डिसरप्ट करती है। अगली हैं वल्नरेबल एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज वो होती हैं जो एक्सटिंक्शन के डेंजर में होती हैं, लेकिन अभी जो है एंडेंजर्ड नहीं हुई हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो एक्सटिंक्शन के जो है बहुत करीब होती हैं, और अगर उनकी प्रोटेक्शन नहीं की गई तो वो जो है एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो पूरी तरह से जो है ख़त्म हो चुकी हैं। दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज और इनकी इम्पोर्टेंस, स्पेशली फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें जो है आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल लॉस के बारे में जो है डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड डिस्कशन ऑन टाइप ऑफ स्पीसीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।